सरकार आम लोगों को महंगाई की दलदल में ले जा रही है। वहीं खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाकर गरीबों को सता रही है। भाजपा के खिलाफ बोलने वालों को ईडी का डर दिखाकर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। अग्निपथ योजना निर्माण का युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह का आरोप आज के आंदोलन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकालते हुए किया। देश भर में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की ओर से भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर पारशिवनी शहर में कांग्रेस पार्टी की ओर से गांधी चौक पारशिवनी में आंदोलन किया गया। भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस आंदोलन में मौजूद थे। महात्मा गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें भाजपा के किए गए कार्यों का कांग्रेसियों ने भरपूर समाचार लिया। जबकि देश में महंगाई, डीजल, पेट्रोल, खाने पीने की चीजों पर, वही आम चीजों पर जिस तरह से टैक्स लगाकर केंद्र सरकार लूट मचा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेसी ने धरना देते हुए आंदोलन किया। इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष दयाराम भोयर, जिला परिषद सदस्य अर्चना भोयर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीधर झाड़े, हरिभड़ अनिकेत डिम्बो ने, करमभाड़ ग्राम पंचायत के उपसरपंच संजय लांजेवार, दीपक भोयर, प्रमोद काकड़े, साथ ही महिला कार्यकर्ता और भारी संख्या में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। पारशिवनी से बीसीएन न्यूज के लिए रूपेश खंडारे की रिपोर्ट।